करते हैं एक और बड़ी खबर का, चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। मैं आपको बता दें कि इस तरह से आज थम जाएगा पांचवें चरण का चुनावी शोर। इस वक्त की बड़ी जानकारी, 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं। 27 फरवरी को ये मतदान होने जा रहे हैं। 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर ये मतदान होंगे और उसी के लिए आज जो चुनावी शोर है पांचवें चरण को लेकर वो थम जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से पांचवें चरण के कई दिग्गज नेता जो हैं वो आज अपनी किस्मत आजमाते हुए चुनावों के दौरान आएंगे और आज जो है पांचवें चरण का चुनावी शोर जो है वो थम जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि जुड़ चुके हैं। आइए उनका रुख करते हैं। रवि, आज पांचवें चरण के लिए जो चुनावी शोर है वो थम जाएगा और कई दिग्गज इस बार चुनावी रण में उतरे हैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए, क्या कुछ जानकारी है इस खबर पर? देखिए, चौथे चरण के मतदान के बाद अब पांचवें चरण के जो मतदान होने हैं उसको लेकर तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। आपको बता दें 27 तारीख को जो 12 जिले हैं वहां उसकी 61 सीटों के लिए ये चुनाव होना है और शाम 6 बजे आज जो चुनाव प्रचार है पांचवें चरण के मतदान के लिए पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और अब जो बाकी की जो पार्टियां हैं यानी कि जो दल हैं वो अब इस पांचवें चरण के मतदान पर उनकी नजर रहेगी। हालांकि आज शाम को 6 बजे से ये जो प्रचार प्रसार है वो बंद हो जाएगा और इन सभी सीटों के लिए जो मतदान है वो होगा। आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश के जो 12 जिले हैं उसमें से अमेठी है, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट है, प्रतापगढ़ है, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा है, इन सभी जो विधानसभाओं के लिए जो मतदान है वो होगा 27 तारीख को और शाम को 6 बजे से जो चुनाव प्रचार है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। जी रवि, जिस तरह से आपने हॉट सीट्स भी बताई हैं जो 12 जिलों की होने वाली है, चुनावों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात करें तो कौन से ऐसे दिग्गज नेता है जिनकी किस्मत इस बार दांव पे लगी है? देखिए, कई सारे चेहरे हैं, अगर बात करें तो कई बड़े चेहरे बड़े नाम भी हैं इस बार जो पांचवें चरण का जो मतदान होना है और उनकी जो साख दांव पर है। हालांकि जिस तरीके से जो भाजपा है 300 पार का आंकड़ा पार करने का जो दावा कर रही है, वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो 400 सीटें जीतने का दावा वो कर रही है। वही बसपा और कांग्रेस है उसके अलावा और दूसरे दल आम आदमी पार्टी की भी सक्रियता नजर आ रही है इस चुनाव में। हालांकि जब नतीजे आएंगे तो साफ होगा कि जनता ने किसको चुना है और किसको नकारा है। हालांकि तमाम सारे मुद्दे भी इस बार चुनाव में नजर आ रहे हैं, कई दिग्गजों की जो साख है वो दांव पर है। हालांकि जब चुनाव होगा, चुनाव के बाद नतीजे आएंगे तो साफ होगा कि किसकी जो साख है वो बनी रही और किसको हार मिली। लेकिन जरूर है कि सभी ने ताकत जोग रखी है, शाम 6 बजे तक का समय है इस पांचवें चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार का। जी बिल्कुल, आज ताकत जोगने का काम है वो सभी राजनीतिक पार्टी किया जा रहा है, उसके बाद शाम 6 बजे प्रचार पूरी तरीके से बंद हो जाए। जी।